नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज, मैं हूं अंकुर पांडे। छपरा के अमनौर थाना क्षेत्र में बना नहर का बांध कई लोगों की जान ले रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठंड का मौसम आ गया है, इस समय सुबह में कोहरे के कारण सड़क नहीं दिखाई देती है, जिस कारण और लोगों की जान जाती है। वहीं गंडक विभाग ने भी पुल के दोनों साइड बैरिकेडिंग नहीं कराई है। मौत हो गया, इसके अब कोई समाधान अभी नहीं, कोई नहीं। बीच में आया था नोर थाना वाला, बांस गिरवा दिया, बस हो गई। अपना से हम लोग घेरे हैं बांस गार गुर के, तो चला 2-3 महीना, उसके बाद दो भी टूटी है। आप लोगों को डर भी लगता है गाड़ी लेकर जाने में? डर भी लगता है, दोनों तरफ खाल है, इधरों तरफ उधरों तरफ, पीछे पड़ जाएगा। दारू तो गाँव भर बिक रहा है, दुनिया भर जगह दारू बिक रहा है, बाकी दारू वाला कौन रुकने वाला है? पैसा तो दारू पे छू, प्रशासन में कोई मतलब नहीं है भैया। कितनी घटना घटी है? 20-25 को घटना घटा हुआ है। इधर कितना आदमी मर गया, यहाँ कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, ना कोई विधायक सुनने वाला है, ना कोई विधायक सुनने वाला है, खाली बात पर। ये सर बहुत दिन से है, विश्व बंगाल से बेचारा चला आया, बंगाल से आके यहाँ तो यहाँ के आदमी मर गया, कार लेके आए भोर में, नहीं बुझाया कि सब गया, पांचों खत्म हो गया। न प्रशासन तो दादी चुदा रहा है, रुपया कमाएगा प्रशासन क्या करेगा? सरकार लगातार पुल पुलिया बनाने के लिए और गंडक की सफाई करने के लिए, नहर की सफाई करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और लगातार पैसे पे पैसे खर्च कर रही है। लेकिन अभी हम छपरा के अमरौर थाना क्षेत्र के सहादी गांव में हैं और ये जो आप जो रोड देख रहे होंगे, ये भैंसा लोटन से सोगनी जाता है और ये आपको बता दें कि ये नहर बांध है और इस नहर बांध पे ये सहादी गांव है और यहाँ पे आप देखेंगे तो बिना रेलिंग के ये पुल है। इस पुल पर ना जाने कितने हादसा हुआ, इससे पहले भी 6-7 लोगों की मौत हो गया है इसमें गिरने के बाद और यहाँ पे लगातार लोगों की घटनाएं घटते रहती है, लेकिन अभी तक कंस्ट्रक्शन विभाग या गंडक विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनकी ध्यान नहीं गया है। और लगातार जिस तरह अभी ठंडी का माहौल आ गया है, कुहरा छाता है, कुहरा में लोगों को समझ नहीं आएगा। आप देखेंगे इधर से तो ये रोड बिल्कुल सीधा आया है, यहाँ पे एकदम टर्न कर गया है और ये टर्न करने के बाद जो स्थिति है, लोगों को समझ में नहीं आता है, सीधे इसी के अंदर गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और आपको बता दें, यहाँ से आप देखेंगे हमारे कैमरा के माध्यम से, तो यहाँ पे लगभग इस रोड से इसका डीप लमसम 30 से 40 फीट गहरा है और नीचे पानी है, गिरने के बाद मौत हो जाता है, ऐसा सिलसिला लगातार जारी हुआ है। इससे पहले भी देखेंगे आप कैमरा के माध्यम से तो वहां पे गाड़ी का पहले हेडलाइट गिरा हुआ है, इससे पहले जो अभी घटना तत्काल घटा था उसमें दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि ये घटना कब कब ऐसी घटती है और अभी तक प्रशासन इस पर क्या किए हैं, कब कब ऐसी घटना घटी है यहाँ पे? ठंडे में कितनी घटना हुई है? मोटा मोटी 6-7 को घटना हो गया है भाई। लोगों को समझ नहीं आते हैं? नहीं, अंधार होता है तो समझ में नहीं आता है। कितना कंप्लेन है, कितना मतलब कि दर्ज हो गया इस पे? इसमें एक नहीं, इसमें कई मतलब आदमी का जान चला गया, लेकिन ट्रक वाला ने मतलब कि बड़ा बड़ा गाड़ी है वो भी नहीं मानता है, इस पर आता ही रहता है। मोटरसाइकिल वाला सीधे नाइट को आता है तो सीधा मतलब डेट हो जाता है, गिरने के बाद मौत हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा कितना घटना घटी है? अरे यहाँ तो 10-12 घटना ही हो गई, ऐसे ऐसी 10-12 कंप्लेन हम लोग भी किए गांव वाले ने, कोई मतलब कि नहीं। तो देखेंगे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन विभाग की बड़ी लापरवाही है, रोड विभाग की बड़ी लापरवाही है और लापरवाही के कारण ही आप देखेंगे तो ये अभी जो स्थिति बना हुआ है, लगातार जो गाड़ी आता है इसमें गिर जाता है, गिरने के बाद उसका बांचने का चांस कम होता है। लेकिन कुछ गाड़ी वाला है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो गड्ढा है ये कितने दिन से आप लोग लगातार आते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं, ये काफी दिन से नहीं, आज क्रॉसिंग कर रहे रास्ता। तो देखेंगे जो गाड़ी लेकर जाते हैं यहाँ पे काफी सावधानी बरतते हैं, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप देखेंगे तो ये आप इधर से साइड से देखे होंगे तो ये नहर है, नहर में भी इधर इसका जो बैरिकेटिंग किया जाता है, पुल का घेराव किया जाता है, वो भी नहीं किया गया है और लगातार इसमें लोगों की दिन प्रतिदिन हादसा होते जाता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ चंदन कुमार चंचल, टीएनपी न्यूज छपरा।